की बात करें डाउन, इसी के साथ सेल स्क्वाड डाउन होते हुए सांगवान आई गेस टीम मेंबर ओके वार के मेंबर्स भी काफी ज्यादा क्लोज है। मॉर्टल फंस सकते हैं यहाँ पे, जोन के अंदर भी उनको निकलना पड़ेगा, छठा जोन है, डैमेज काफी देगा। और ओआर जोन की बात करें उनको भी जोन के अंदर निकलना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता फाइट लेंगे पहले के लिए जोन के अंदर जाएंगे। बट स्काउट की बात करें अभी भी ऊपर से हॉम शॉट चटकाए जा रहे हैं, लाइफ क्राफ्ट के नूब डाउन होते हुए हॉम का हेड शॉट पड़ा, ओआर के मेंबर्स जोन के अंदर निकलते हुए। मॉर्टल की बात करें अभी भी जोन के अंदर, लाइफ क्राफ्ट के विलन डाउन होते हुए स्काउट के द्वारा, राइडर डाउन हुए, राइडर डाउन करते हुए एसजी स्पाइडर को, लाइफक्राफ्ट के नूब डाउन, वाइपर के नेड से विलेन भी डाउन होते हुए, हर तरफ शॉट्स चलता हुआ, लाइफक्राफ्ट की स्क्वाड काफी ज्यादा मुश्किल में है। बट मावी डाउन करते हुए फैनेटिक स्काउट ओपी को नीचे से शॉट पड़ा, रिवाइव किया जाएंगे। इंटेंस वर्सेस एसजीआर होता हुआ, राइडर्स डाउन करते हुए टेड को, सोल सांगवान दूसरे के साइड पे है, अभी भी नेड्स वगैरह कर रहे हैं। वाइपर रगल टू उसकी बात करें दूसरे साइड पे, इंटेंस की स्क्वाड काफी ज्यादा रश गेम प्ले यहाँ पे दिखाती हुई, मॉडल प्ले जोन के बाहर डाउन, टेड डाउन होते हुए, सांगवान अकेले बचे हुए दूसरे साइड से। जाल की बात करें काफी ज्यादा डैमेज इनको भी पड़ता हुआ, एनवी डाउन करते हुए ऑस्टिन एक्स को, इसी के साथ एसजी के मेंबर्स पूरी तरीके से एलिमिनेट होते हुए, चार के चार मेंबर इंटेंस के अभी भी बचे हुए, सांगवान नीचे के साइड पे, रगलटोस ओके, मॉर्टल फिनिश हो गए। वार स्क्वाड की बात करें तो दो मेंबर जिंदा है, फेनेटिक के चार मेंबर्स अभी भी जिंदा है, पांच टीम है, 14 मेंबर्स पूरे अभी भी जिंदा। वे इस नीचे के साइड पे घूम रहे हैं, क्यों पता नहीं, बट जोन के अंदर हैं वो लोग, घूमना चाहिए नहीं। राइडर की बात करें अभी भी ऊपर के साइड पे आने की कोशिश करेंगे, सांगवान के पास एक कंपाउंड है बट शायद जोन के अंदर है, ये 16 मीटर्स दूर इनको जोन के अंदर निकलना पड़ेगा, ज़्यादा दूर इनको जाना नहीं है, शायद ये फेंसेस वगैरह क्रॉस करके जाना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एल्यूजन की बात करें अभी भी जिंदा है वो, इंटेंस के चार मेंबर जिंदा, ओआर के दो और सोल के तीन मेंबर जिंदा हैं। मावी वाइपर की बात करें स्काउट अभी भी हॉम शॉट दे रहे हैं, देखिए किसी को स्पॉट कर सकते हैं, यस बिल्कुल मावी को स्पॉट किया है उन्होंने। इंटेंस के राइडर डाउन होते हुए रौनक के द्वारा, इंटेंस के मेंबर भी पीछे के साइड पे, रौनक को भी काफी ज्यादा शॉट्स पड़ता हुआ, स्काउट को भी शॉट पड़ता हुआ, पीछे साइड से उनको शॉट पड़ रहा है, अभी के लिए कवर में लगाना पड़ेगा अपने आप को। इल्यूजन की बात करें डाउन, इसी के साथ सेल स्क्वाड डाउन होते हुए, सांगवान की बात करें हेड शॉट नहीं बॉडी शॉट पड़ा, स्काउट का डाउन करेंगे बट नहीं, पीछे से इंटेंस के मेंबर डाउन करते हुए स्काउट को, जाल ने डाउन किया स्काउट को, पूरी तरीके से फिनिश भी करेंगे। ओएस भी डाउन हो चुके हैं, रौनक दूसरे साइड पे रोटेट कर रहे हैं, ऐश की बात करें थोड़ा शॉट्स देंगे, जोन के अंदर निकलना पड़ेगा ऐश को। और रौनक की बात करें रेगल्टोस डाउन करते हुए, इंटेंस के एनवी को, इंटेंस की स्क्वाड आई गेस इसी के साथ एलिमिनेट होते हुए रेगल्टोस के द्वारा, जैडी भी डाउन, रेगल्टोस ने सारे सारे किल्स निकाल लिए। वार जॉन डाउन होते हुए वाइपर के द्वारा, 10 किल्स हैं सोल स्क्वाड पे, रेगल्टोस पे टोटल 3 किल्स, वाइपर की बात करें उन्होंने भी 3 किल्स निकाले। मावी दूसरे साइड पे काफी प्यारा स्प्रे आता हुआ, नेट भी किया है, मावी जस्ट 10 एचपी पे है, वाइपर थोड़ा सा और आगे गए तो वार की स्क्वाड पूरी तरीके से एलिमिनेट हो सकती है, शायद ये नेट कनेक्ट होगा और वार की स्क्वाड यहां पे पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगी। नेट काफी ज्यादा प्यारा है, क्लोज भी गया है, डैमेज बहुत ज्यादा, 1-1 एचपी पे दोनों मेंबर्स को छोड़ा है बट नॉकडाउट नहीं हुए, इसके बाद सीधा एलिमिनेट ही होते, नॉकडाउट नहीं होते। बट अभी के लिए सोल स्क्वाड जोन के अंदर जाएगी। फनेटिक एश की बात करें ऊपर के साइड पे, 3v2v2 होता हुआ, 7 मेंबर्स टोटल अभी के लिए जिंदा। रौनक ओवेश की बात करें तो स्मोक के अंदर है, रेगल्टोस आगे के साइड पे जा चुके हैं, वार बाकी सारे मेंबर्स को जोन के अंदर आना पड़ेगा, यस उनके पास हीलिंग्स नहीं है, यस बिल्कुल बिल्कुल भी हीलिंग्स नहीं है, 25 सेकंड्स और जोन के अंदर अभी के लिए निकलना पड़ेगा। फेनेटिक एश ऊपर के साइड पे शॉट्स वगैरह देने की कोशिश करेंगे, 67 मीटर अभी भी इनको दूर जोन में जाना पड़ेगा। रेगल्टोस को मे बी स्पॉट कर सकते हैं या फिर ओवार स्क्वाड को स्पॉट कर सकते हैं, यस बिल्कुल ओवार मावी को स्पॉट किया, शॉट देंगे एश, पूरी तरीके से नॉकआउट किया है, फिनिश करने की कोशिश होगी बट नहीं, नीचे से शॉट्स पड़ता हुआ, रेगल्टोस डाउन होते हुए ओवेस के द्वारा, वाइपर बचे हुए, 3v1v1 का सिचुएशन होता हुआ अभी के लिए। फेनेटिक स्क्वाड इजी चिकन डिनर निकाल सकती है, नहीं देखना पड़ेगा, वाइपर डाउन करते हुए रौनक को, प्यारा स्प्रे आता हुआ, टोटल 10 किल्स हैं सोल स्क्वाड पे, वार मावी फिनिश, अभी के लिए जोन में निकलना पड़ेगा वाइपर को, टाइम था बट एश ने फिनिश किया जॉन को, अभी के लिए 1v3 का सिचुएशन है। फनेटिक के तीन मेंबर्स और वाइपर अकेले जिंदा अपनी टीम से, हुए इसकी बात करें दूसरे से शॉट्स लेंगे और फनेटिक स्क्वाड पे चिकन डिनर आता हुआ, आई गेस विद बहुत सारे किल्स, यस 13 किल्स के साथ चिकन डिनर आया और 10 किल्स के साथ यहाँ पे सोल स्क्वाड का भी चिकन डिनर सेकंड पोजीशन पे आते हुए। 25,000 वॉचिंग बॉयज, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्री, एक्सपेक्टेड नहीं पसंद आ रही है तो जल्दी जल्दी